आज हम दो और तीन नंबर के कान्हा जी की कैप बनाने जा रहे हैं। कैप बनाना बहुत ही सिंपल है और ये ठाकुर जी को हम सर्दियों के मौसम में अक्सर पहनाते हैं। इस कलर की मैंने ऊन पहले ठाकुर जी की ड्रेस भी दिखाई हुई है, तो मैचिंग मैं इसके साथ की अब कैप भी बना रही हूँ। और तो कैप के लिए मैंने वही सेम कलर यूज किए हैं जो मेरे पास थे। तो सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे। लूप को हम इस तरह से बनाते हैं, लूप को हम इस तरह से बनाते हैं। अब इसको हमने ज्यादा खींचना नहीं है, ये जो लूप है फर्स्ट वाला इसको हमने खींचना नहीं है। इसी के अंदर अब हम चैन बनाना शुरू करेंगे। एक चैन बनाएंगे, इसको हम ऐसे ही ढीला छोड़ेंगे। एक चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया निकालेंगे, 10 टाइम डबल क्रोशिया निकालेंगे हम इसके अंदर। इसमें से हमने 10 बार डबल क्रोशिया निकालना है। हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया निकाल लिया है। अब इसको हम खींचेंगे, इस धागे को जो हमने एकदम लूज छोड़ा था उसको हम एकदम बहुत टाइट खींच लेंगे। चाहे तो आप इसको इसके अंदर बांध भी सकते हैं, इस धागे को जो पहली हमारी रो है इसके अंदर इसको आप टाई भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से इसको खींचने के बाद अब जो हमारा पहला चैन था वहां पे हम इसको स्किप चैन के साथ में इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। इस तरह से कनेक्ट करके इसको बिल्कुल एक गोल सिक्के की तरह हो जाएगा ये। अब हमारे पास 10 चैन है, 10 चैन में से अब हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ इसको बढ़ाना है। बिल्कुल 10 चैन रखनी है, 10 चैन से फालतू नहीं रखेंगे क्योंकि जो कान्हा जी का जो सर होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो जो पहला चैन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया से इसको निकालेंगे। सिंगल चैन हम इसमें लेंगे और सिंगल चैन से ही हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से सिंगल चैन लेनी है हर बार और चैन को हमने सिर्फ 10 रखना है। 10 चैन लिए थे ना हमने, तो सिर्फ हमने उसको 10 ही रखना है, ज्यादा नहीं करना है। सिंगल चैन लेते हुए पूरी चैन को हम कंप्लीट कर लेंगे। हमने इसको स्टार्ट किया था यहाँ पे, इसको हम स्किप चैन के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से एक रो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब हम एक चैन बनाएंगे और एक चैन बनाने के बाद हमारे पास जो 10 चैन है उन्हीं के ऊपर दोबारा से हम सिंगल चैन से एक बार और पूरी रो कंप्लीट करेंगे। सिंगल चैन ही रखनी है हमने क्योंकि कान्हा जी, दो नंबर के कान्हा जी के लिए हम ये बना रहे हैं। तो कान्हा जी बहुत छोटे से होते हैं और उनका सर भी बहुत छोटा सा होता है, तो छोटी ड्रेस को सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम सिर्फ 10 चैन की ही कैप तैयार करेंगे। और अगर आप भी ठाकुर जी, छोटे से ठाकुर जी के लिए ये कैप ट्राई कर रहे हैं, तो आप अपने वूल का भी हिसाब रखें और नाप को साथ में रखें, ठाकुर जी को साथ में बिठा लें। एक रो हम, मतलब हमारी दो रो हैं जो दो लाइनें हैं, उनको हम सिंगल क्रोशिया के साथ 10 चैन की जो हमने शुरुआत की थी उसी के साथ इसको हम फिनिश करेंगे। दो चैन हमारी कंप्लीट होने को है। दो लाइनें कंप्लीट होने के बाद अब हमने यहाँ पे अपना दूसरा धागा चेंज कर लिया है। अब ये जो दूसरा धागा हमने इसके साथ में कनेक्ट किया है, ये धागा पहले वाली ऊन से थोड़ा पतला है, तो इसमें अब हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, ग्रीन धागे को थोड़ा खींच देंगे और जो पहली चैन है इसमें हम डबल क्रोशिया लेंगे। 3 टाइम हम यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे एक चैन के अंदर।
थ्री टाइम हमने एक चैन में डबल क्रोशिया लेना है। अब जो नेक्स्ट हमारे रो है इसमें हम फिर से थ्री टाइम यहाँ पे हम डबल क्रोशिया लेंगे। क्योंकि हम हैट टाइप में कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं, टोपी बना रहे हैं, तो ये हैट का जो बाहर वाला पार्ट होता है ये वो वाला पार्ट तैयार हो रहा है। और हर चैन में हमने अब तीन तीन क्रोशिया करके ही लेने हैं, तीन डबल क्रोशिया लेने हैं। अगर आप भी इस तरह से दो तरह की ऊन का इसमें हैट बनाए तो अपनी ऊन का जरूर हिसाब देखें। अगर इसमें मेरे पास इसी तरह की ऊन होती, पतली ऊन नहीं होती, तो मैं इसमें दो बार डबल क्रोशिया ले रही होती, लेकिन ये ऊन थोड़ा पतला है तो इस कारण से मुझे तीन बार इसमें तीन डबल क्रोशिया लेने हो रहे हैं। हैट का फ्रिल बन के रेडी है पूरा, ये देखिए दोनों तरफ से इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम इसको स्किप चेन के साथ इसको यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेंगे। अगर आप हेड को और भी बड़ा बनाना चाहते हैं, वैसे तो बन के रेडी हो चुका है, अगर और भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो हर चेन में हम यहाँ पे इसको स्किप चेन के साथ में इसको बढ़ाते हुए जाएंगे। एक किनारी बड़ी सी भी हो जाएगी और कान्हा जी का जो हेड है वो सेट भी हो जाएगा अच्छे से। हर चैन में हम इस तरह से स्किप चैन के साथ में इसको बना लेंगे। यहां इसको स्किप चैन के साथ में लेना है। इस तरह से पूरी फ्रिल को इसी तरह से कंप्लीट कर लें। इस तरह ये हमारे दो नंबर के कान्हा जी के लिए जो टोपी बनी है ये एकदम से परफेक्ट है। ये मैंने चार नंबर के कान्हा जी के लिए कैप बनाई थी, इसमें मैंने 12 चैन लिए हैं, इसमें मैंने 10 चैन लिए हैं। और ये इस तरह की ड्रेस जब भी ट्राई करें तो आप अपने साइज के हिसाब से एक या दो चैन घटा बढ़ा लें, जिस भी साइज के लिए बना रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।